नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के एक नए चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द बाल पोयम। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कम्प्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस चैप्टर का अध्ययन हमने बुक से पहले ही कर लिया है, आज हम इस चैप्टर की समरी करेंगे ताकि बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। इस चैप्टर को बुक से पढ़ने के लिए, बल्कि किसी भी चैप्टर को हमारे चैनल से पढ़ने के लिए, आप बस उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके पीछे डिजायर पॉइंट जोड़ दिया करिए, आपको वो चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। जैसे इसी चैप्टर को अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आपको लिखना है द बाल पोयम और उसके लास्ट में जोड़ देना है डिजायर पॉइंट और इतना लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, जितना स्क्रीन पर आ रहा है इतना ही लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, आपको ये चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं द बाल पोयम की। तो बाल का मतलब होता है गेंद, हम सभी जानते हैं। पोयम चूंकि एक पोयम है और लेखक है जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन देखते हैं कि एक बंदरगाह पर एक लड़का खड़ा है, वो बहुत उदास है क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ, नाउ अब द बॉय उस लड़के को व्हाट इज क्या हो गया है, उस लड़के को अब क्या हो गया है, हु जिसने हैज लॉस्ट खो दी है हिज बॉल अपनी गेंद, तो जिसने अपनी गेंद खो दी है। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, इज ही वह लड़का, टू डू करेगा, अब वह लड़का व्हाट टू डू क्या करेगा, या फिर अब वो लड़का क्या करने वाला है। दो बार है व्हाट व्हाट, जिसका मतलब व्हाट का मतलब क्या ही होता है, तो दो बार लगा है बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई शाह मैंने देखा है इट इस गेंद को, इट का मतलब है गेंद के लिए। ठीक है, तो इस गेंद को गो जाते हुए, अब गेंद उछलते हुए जाती है ना, तो मेरे लिए प्रसन्नता पूर्वक बाउंसिंग उछलते हुए, तो मैंने इस गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए जाते हुए देखा है। कहां जाते हुए देखा है, डाउन स्ट्रीट गली में, तो मैंने इस गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा है। एंड देन और फिर मेरी ली ये प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए या फिर खुशी से उछलते हुए ओवर देयर वहां चली गई, कहां चली गई, इट इज इन द वाटर, इन द वाटर मतलब पानी में, इट मतलब यहां गेंद, इज इन द वाटर पानी में चली गई, यानी ओवर देयर वहां पर चली गई अर्थात पानी में चली गई। क्लियर है, तो व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है, व्हाट व्हाट इज ही टू डू, अब वह लड़का क्या करने वाला है। आई saw इट गो merrily bouncing डाउन द स्ट्रीट, मैंने इस गेंद को प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा है। एंड देन और फिर यह प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए पानी में चली गई। ठीक है, क्लियर हो गया। ओवर देयर मतलब इशारा करके बता रहे कि वहां पानी में चली गई। ठीक है, सीधा सीधा मतलब पानी में चली गई। आगे की पंक्तियों पर चलते हैं। आगे की पंक्तियों में कहते हैं नो यूज, अब कोई लाभ नहीं है टू से ये कहने का, ये कहने का कोई लाभ नहीं है, ओ कि अरे देयर आर अदर बॉल्स, अदर बॉल्स दूसरी गेंदे भी होती है, अब ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि दूसरी गेंदे भी होती है, अर्थात आप उससे जाकर ये नहीं कह सकते कि तुम दूसरी गेंद खरीद सकते हो, परेशान मत हो, आपके पास पैसा है दूसरी गेंद खरीदने के लिए, नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अपने माता पिता से हमेशा पैसा मांगना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज कह रहे हैं कि दूसरी गेंदे होती हैं, ये कहने का आप कोई लाभ नहीं है क्योंकि हो सकता है उस बच्चे के पास पैसा ना हो, उसके पास हो सकता है सिर्फ यही एक गेंद हो, तो दूसरी गेंद वो नहीं खरीद सकता। ठीक है, क्योंकि उसे अपने माता पिता से पैसे मांगने पड़ेंगे और उसके माता पिता उससे कारण पूछेंगे कि क्यों मांग रहे हो, अभी तो गेंद खरीदी थी, हो सकता है वो कह दे गेंद खो गई है तो उसकी पिटाई भी हो जाए, तो कई सारे कारण होते हैं, बड़े लोग गेंद खरीद सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे गेंद नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो नो यूज, कोई लाभ नहीं टू से ये कहने का, अब ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि दूसरी गेंदे भी होती हैं, अर्थात तुम दूसरी गेंद खरीद सकते हो। एंड अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब चरम,
जो जिस सीमा से बाहर हो, जैसे मेरी क्षमता है दो रोटी खाने की, तो दो के बाद अगर मैं तीसरी खा जाऊं तो वो सीमा से बाहर है, ठीक है, वो चरम है। तो एन अल्टीमेट सेकिंग, सेकिंग मतलब जो आत्मा तक तो आत्मा तक झकझोड़ दे, और ग्रीफ मतलब होता है दुख। तो आप कह सकते हैं सेकिंग का मतलब एक गहरा, अल्टीमेट मतलब चरम, ग्रीफ मतलब दुख। तो एक गहरा चरम दुख फिक्सेस, फिक्स मतलब जड़ कर देना, एकदम जड़वत कर देता है द बॉय उस लड़के को, उस लड़के को जड़वत कर देता है, यानी वो एक ही स्थान पर खड़ा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। तो एक गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है, एज ही और वन स्टैंड खड़ा है। रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोर, कठोरता से ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, तो कांपते हुए, और वह कठोरता से कांपते हुए स्टैंड खड़ा होता है, स्टारिंग, और वो घूर रहा है, डाउन ऑल हीज, अपने यंग बचपन के डेज, दिनों को याद करता हुआ, स्टारिंग डाउन ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर। अच्छा, तो स्टारिंग डाउन घूरते हुए खड़ा है, स्टार मतलब होता है घूरना, डाउन ऑल हीज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ, अर्थात जब उसके पास गेंद थी उन दिनों को वो याद कर रहा है। तो स्टारिंग घूरते हुए खड़ा है, All his young days, अपने बचपन को दिनों को याद करता हुआ, into the harbor, उस हार्बर को, उस बंदरगाह को। नहीं समझ में आया, देखिए ये तो हो गया कि एक गहरा चरम दुख उस लड़के को जड़वत कर देता है, और वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा होता है, और वह लड़का अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा है, वेयर, जहां हीज बॉल, उसकी गेंद वेंट चली गई, जहां पर उसकी गेंद चली गई। आप समझ में आ गया, यानी वो बंदरगाह को देख रहा है जहां पर उसकी गेंद चली गई है। क्लियर है? तो इसको देखिए कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब ये कहने का कोई लाभ नहीं है कि दूसरी गेंदें भी होती है, अर्थात तुम दूसरी गेंद खरीद सकते हो। एक गहरा चरम दुख उस लड़की को जड़वत कर देता है, और वह कठोरता से कांपते हुए खड़ा होता है, और अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ वो उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है। ऐसे भी पढ़ सकते, पूरा का पूरा जोड़ देते हैं कि वह लड़का कठोरता से कांपते हुए अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा है, वे जहां इस बाल विंट, उसकी गेंद चली गई। आगे चल सकते हैं। अब देखिए कवि अपनी बात को कितनी सुंदर तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि आई मैं वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मतलब जबरदस्ती दखल अंदाजी करना, तो मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा ऑन हिम, उस लड़के के इस जीवन में। ये जो लड़का सोचते हुए एकदम डर कर खड़ा है, उसकी गेंद खो गई है, उसका जीवन एकदम गेंद के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके इस जीवन में आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, मैं उस लड़के के इस जीवन में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अ डाइम, एक डाइम, एक सेंट का सिक्का, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है और उस रुपया को हम चिल्लर बोलते हैं, बहुत सारे सिक्के हो जाए आपके पास तो कहेंगे चिल्लर बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, वैसे ही वो सेंट बोलते हैं, एक सेंट, फिर एक डॉलर, ठीक है, डॉलर तो सुना होगा अमेरिका की मुद्रा है, तो डॉलर से भी छोटा होता है सेंट, ठीक है, जैसे रुपया होता है, रुपया से छोटा होता है पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो पापा से पूछिए, और 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ठीक है, तो वैसे ही डाइम होता है डॉलर से छोटा होता है। तो वो कहते हैं एक डाइम, एक सेंट का सिक्का, अनदर बाल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए इज वर्थलेस, बेकार है। कहने का मतलब अगर मैं उस बच्चे को दूसरी गेंद खरीदने के लिए एक सेंट का सिक्का दे दूं तो वो बेकार है। जैसे उस समय हो सकता है एक सेंट बराबर होगा 9 या 10 रुपए होंगे, हो सकता है उस समय 10 रुपए की गेंद मिलती रही हो, अभी कितने की मिलती है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जब हम लोग खेलते थे तो 20 या 25 रुपए की आती थी, अभी कितने की आती है, अच्छा कमेंट कीजिएगा अभी कितने की आती होगी गेंद, मुझे कई साल हो गए गेंद वगैरह खरीदे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक गेंद कितने तक आती है अभी, ठीक है, क्योंकि आप लोग खेलते होंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो एक सेंट का सिक्का देना अनदर बाल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए इस वर्थलेस, वर्थलेस है, बेकार है, ठीक है, बेकार क्यों है, क्योंकि वो लड़का फिर गेंद खरीद के आएगा, उस गेंद को फिर से खो देगा,
लेकिन वही बात वो अपने कहते हैं कि नाउ अब ही वह सेंसेस अनुभव कर रहा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट मतलब प्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व का, वो प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है इन वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। वर्ल्ड ऑफ पोजीशन का मतलब होता है भौतिक संसार। इस भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में अब वो प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें और बहुत से ऐसे लोग आएंगे जिनके बिना आपको लगेगा कि अगर ये छोड़कर चले गए तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो व्यक्ति भी छोड़कर चला जाता है जिस पर हमेशा ये भरोसा होता है कि ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा, और उस बुरे वक्त में हमें अकेले ही जूझना पड़ता है। तो यही बात वो कवि कह रहे हैं कि अब वो भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व समझ रहा है, अर्थात कभी किसी के भरोसे मत रहो, केवल अपने भरोसे रहो। जिस चीज से प्रेम करते हो उसे हमेशा त्यागने की क्षमता रखो। इतना प्रेम कभी किसी चीज से मत करो कि अगर वो छोड़कर चला जाए तो लगे कि जीवन समाप्त हो गया है, क्योंकि हर चीज छोड़कर जाएगी, हर चीज। तो इसीलिए हर चीज ही नहीं, हर व्यक्ति भी छोड़कर जाएगा। जब तक उसकी जरूरत आपसे पूरी हो रही है वो आपके साथ रहेगा, जिस दिन उसकी जरूरत आपसे पूरी होनी बंद हो गई वो साथ छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, बहुत 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 किस्मत वाला ही होता है कोई जिसे बहुत वास्तविक मित्र मिल जाता है, जिसे कोई ऐसा मिल जाता है जो उससे प्रेम करता हो, नहीं तो सब भाग जाते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं उसके इस जीवन में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, क्योंकि वो अभी से खोने के अर्थ को समझ सकेगा। समझ रहे हैं वो चीज? तो अ डाइम एक सेंट का सिक्का देना दूसरी गेंद खरीदने के लिए वर्थलेस, बेकार है। नाउ अब वह लड़का प्रथम उत्तरदायित्व, भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है। पीपल, लोग बिल्डे खरीदते रहेंगे बॉल्स, गेंदे, लोग गेंदे खरीदते रहेंगे। बच्चे हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए गेंदे खरीदते रहेंगे, तो लोग गेंदे खरीदते रहेंगे बॉल्स, और ये बॉल्स और ये गेंदे विल बी लॉस्ट, खोती रहेंगी ऑलवेज, हमेशा हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय छोटे लड़के, और छोटे लड़के इन गेंदों को हमेशा खोते रहेंगे, अर्थात अगर मैंने इसे गेंद खरीद भी दी तो फिर दोबारा खो देगा, हमेशा इसके पास नहीं रहेगी। तो लोग गेंदे खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के गेंदों को खोते रहेंगे। ये आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस छोटी सी उम्र में ही वो खोने के अर्थ को समझ रहा है। वो समझ रहा है कि किसी चीज के बिना जिंदा कैसे रहना है। चलिए, तो आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम। कभी कहते हैं कि मैं उस लड़के के इस जीवन में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। दूसरी गेंद खरीदने के लिए एक सेंट का सिक्का देना बेकार है। अब वह लड़का भौतिक संसार में प्रथम उत्तरदायित्व का अनुभव कर रहा है। लोग गेंदे खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के इन गेंदों को हमेशा खोते रहेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए कवि इस पोयम को कितने सुंदर तरीके से खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एंड नो वन, और कोई भी व्यक्ति बाइस नहीं खरीद सकता बॉल बैग, उस गेंद को, बैग जो खो गई है, और कोई भी व्यक्ति उस गेंद को नहीं खरीद सकता जो खो गई है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज है। कहने का मतलब मेरे पास ये पेन है, मैंने इस पेन को खो दिया, कहीं ना कहीं गिर गई, अब मुझे ये पेन दोबारा नहीं मिल सकती क्योंकि ये खो चुकी है। हाँ, मैं बाजार जाकर इसी कंपनी की यही ब्लैक पेन खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे यही पेन नहीं मिल सकती क्योंकि ये खो गई है, मैं दूसरी खरीद सकता हूं। तो पैसा बाहरी चीज है, पैसा एक दूसरी चीज है, पैसा बाहरी चीज है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस गेंद को नहीं खरीद सकता जो बैक, यानी जो खो गई हो। तो कोई भी व्यक्ति उस गेंद को नहीं खरीद सकता जो खो गई है, पैसा तो बाहरी चीज है। He is learning, वो सीख रहा है, ही मतलब वह लड़का is learning, सीख रहा है। Well behind his desperate eyes, अपनी desperate eyes से, अपनी निराश आंखों से। तो वह लड़का अपनी निराश आंखों से, he is desperate eyes, अपनी निराश आंखों से learning, सीख रहा है। क्या सीख रहा है? The epistemology, ज्ञान शास्त्र को, of loss, खोने के ज्ञान शास्त्र को। खोने में भी ज्ञान छुपा होता है। खोने में ज्ञान क्या छुपा होता है? कि कभी ना कभी हर चीज छोड़कर जाएगी और उसके बिना कैसे जीवित रहना है, ये सीखना है, ये ज्ञान की बात है।
बहुत से लोग होते हैं आपके जीवन में आएंगे, अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी और बहुत से लोग आएंगे जिनके बिना लगेगा कि जिंदा नहीं रह सकते, जिनके बिना लगेगा कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो छोड़कर जाएंगे और उनके बिना रहना होगा, उनके बिना रहना सीखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में खोने का ज्ञान क्या है। चलिए, और हाँ एक बात मैं आपसे कहूंगा, इतनी मेहनत करो कि जो व्यक्ति आपको खो दे वो अगले 7 जन्म तक पछताता रहे। इतने काबिल बनो कि आपके जैसा दूसरा कोई बचे ही ना। और जिसने भी आपको खोया है ना, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे 7 जन्म रोने पर भी आप ना मिलो, आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। इतने काबिल बनो, इतनी ऊंचाई पर जाओ कि आपको खोने वाला 7 जन्म तक रोता रहे, तब मजा आएगा, तब मजा है जीने का। तो खोने दो जिसको खोना है, कभी निराश नहीं होना है कि ये छोड़कर चले गए। जाओ, ऐसे मत रहो कि ये छोड़ के चले जाएंगे तो इनके बिना हमारा क्या होगा, बल्कि ऐसे रहो कि ये छोड़ के चला जाएगा तो ये जिएगा कैसे मेरे बिना। इतने काबिल बनो कि आपके जैसा कोई दूसरा आपके फील्ड में ना हो। दो ही लोगों की कीमत होती है, या तो जो सबसे आगे है या तो जो सबसे पीछे है। तो या तो सबसे कमजोर बन जाओ, तब आपको सरकार खिला देगी, कहीं ना कहीं से लोग दया करके कुछ लोग दान कर देंगे, खिला देंगे। या तो फिर सबसे आगे, सबसे काबिल बन जाओ, उस क्षेत्र में पहुंचो जिस क्षेत्र में आपके अलावा दूसरा कोई काबिल ना हो। बीच वाले लोग सिर्फ धक्का खाने के लिए होते हैं, बीच में मत अटकना। तो इतने काबिल बनो कि आपको खोने वाला 7 जन्म तक रोता रहे। तो इस लर्निंग वो सीख रहा है, इस डिस्परेट आइस, अपनी निराश आंखों से। तो वो अपनी निराश आंखों से क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के ज्ञान शास्त्र को, हाउ टू स्टैंड अप, और वो स्टैंड अप करना सीख रहा है, और वो सामना करना, नोइंग सीख रहा है, और वो सामना करना सीख रहा है। किसका? व्हाट एवरीवन, जिसका हर एक व्यक्ति को मस्ट, अवश्य ही वन डे, एक ना एक दिन, नो, सामना करना ही पड़ेगा। तो आपके जीवन में भी बहुत से लोग छोड़कर जाएंगे, हमारे जीवन में भी बहुत से लोग छोड़कर जाएंगे, कोई छूटा मतलब बचेगा नहीं इससे। तो हर एक व्यक्ति को इसका सामना एक ना एक दिन अवश्य ही करना पड़ेगा, लेकिन वो लड़का इस चीज को अभी सीख रहा है। तो हाउ टू स्टैंड अप, और वो सामना करना सीख रहा है, नोइंग हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग, और वो सामना करना सीख रहा है उस स्थिति का, जिसका हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। एंड मोस्ट, और अधिकतर लोग नो, ये सीखने में, स्टैंड अप करना सीखने में, अर्थात सामना करना सीखने में। एंड मोस्ट, और अधिकतर लोग हाउ टू स्टैंड अप, सामना करना, इस स्थिति का सामना करना, नो, सीखने में मैनी डेज, बहुत से दिन लगा देते हैं। और अधिकतर लोग, या फिर बहुत से लोग, इस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग होंगे आपके मित्र मंडली में ही, कि सामने वाला व्यक्ति उनसे बात नहीं करना चाहता, उनसे दूर भाग रहा है, उनको दुत्कार रहा है, लेकिन वो इतने बेशर्म है कि बार बार उसके पास जा रहे हैं, बार बार उसके पास जा रहे हैं। तो वो चीज, जब आप किसी चीज को खो देते ना, तो उसे खो दीजिए, छोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाती है वहां पे। या तो कोई चीज पूरी की पूरी आपकी है, या फिर पूरी की पूरी आपकी नहीं है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर कोई चीज खो गई तो उसे छोड़ दीजिए। और अधिकतर लोग इस चीज को सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं, अर्थात वो बार बार जलील होते रहते हैं। तो जो जितना समय लगाएगा इस बात को सीखने में, वो इतना ही ज्यादा परेशान रहेगा। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। एंड नो वन बाय अ बैर बैक, और कोई भी व्यक्ति उस गेंद को नहीं खरीद सकता जो खो गई है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज है। वह अपनी निराश आंखों से सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने की ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे कि वह लड़का अपनी निराश आंखों से सीख रहा है, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है, और वह उस स्थिति का सामना करना सीख रहा है, जिसका सामना हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन अवश्य ही करना पड़ेगा। और अधिकतर लोग इस स्थिति का सामना करना सीखने में मैनी डेज, बहुत दिन लगा देते हैं। अर्थात कई लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं दुनिया में, कि वो जलील होते रहते हैं लेकिन फिर भी पीछे पड़े रहते हैं। उनकी कोई चीज खो जाती है तो वो रोते रहते हैं, कोई व्यक्ति छोड़कर चला जाता है तो रोते रहते हैं। यानी ये चीज सीखने में कई लोग बहुत से दिन लगा देते हैं, लेकिन आप जितने जल्दी से सीख जाएंगे
उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।